खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्योपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। जहां श्योपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि श्योपुर जिले में बाढ़ से अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से चर्चा की, वहीं लोगों को ढांढस भी बंधाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित गांव मानपुर, दातरता, बड़ौदा आदि बाढ़ प्रभावित गांव में बाढ़ पीड़ितों से चर्चा कर उनका दुख दर्द साझा किया। इस दौरान श्योपुर विधायक बाबू जंडेल भी उनके साथ रहे। राजस्थान से लोग आए, केलारस से, आप विजयपुर से, सबलगढ़ से, कई समाज सेवियों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने जो सेवा की है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ओके, निश्चित तौर पर बाबू जंडेल जी से हमारी बातचीत हो रही है। कांग्रेस के विधायकों और तो सांसद जो है, एक एक महीने का हम लोग अपना वेतन जो है मुख्यमंत्री हमारे जो कांग्रेस पार्टी को देंगे, तो राहत राशि बांट देंगे। सर, शहर की जनता 4 दिन तक लगातार प्रशासन को हटाने के लिए मांग करती रही, लेकिन जिस रोज केंद्रीय मंत्री आए और उनका विरोध हुआ, उसके बाद क्यों? मैंने आपसे कहा ना, जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर थे वो बिना लेन देन के तो आए नहीं थे। जब बिना लेन देन के नहीं आए थे तो लेन देन का दबाव था प्रशासन पर, भोपाल में बैठे प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।